नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बिना आधार नंबर डाले 3 से 6 वर्ष के बच्चे का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, जो कि स्कूल पूर्व बच्चे आपके आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं उनका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। मैं इसके ऊपर पूरा स्टेप बाई स्टेप आपको सारी जानकारी बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। और आप लोग अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कर दें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि जो भी मैं आंगनबाड़ी से रिलेटेड वीडियो बनाऊं आप सब तक पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम लोग अपने मोबाइल में पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद सबसे पहले हम लोग यहाँ से अपने भाषा को बदलेंगे, जो कि यहाँ पे मैंने अपने भाषा को हिंदी में कर लिया है, ताकि हमको समझने में आसानी हो। आपको जिस भाषा में समझने में आसानी होता है आप लोग उस भाषा को सिलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोग अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, जो कि मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए आपके ऑफिस में, वही मोबाइल नंबर आप लोग यहाँ पे डालेंगे। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल के आगे प्रोसेस बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल दिया है, और डालने के बाद यहाँ पे जो विभाग से आपको एम पिन दिया गया था, अगर आप लोग अभी भी वही एम पिन यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग उसका एम पिन चेंज कर सकते हैं। एम पिन चेंज करने के लिए मैंने उसके ऊपर वीडियो बना दिया है कि आपको एम पिन कैसे चेंज करना है। और जहाँ तक सवाल है एम पिन का, तो यहाँ पर आप लोग एम पिन ज़रूर से ज़रूर चेंज कर लें, क्योंकि हो सकता है कि आपके मोबाइल नंबर डाल के और एम पिन डाल के, जो कि विभाग की तरफ से एक ही एम पिन दिया गया है, उसको डाल के आपके अकाउंट से कोई छेड़छाड़ कर सकता है। तो जो कि मैंने यहाँ पे अपना एम पिन चेंज कर लिया है, तो मैं एम पिन अपना डाल के यहाँ से लॉगिन कर रहा हूँ। अगर आप लोग उसका लिंक एम पिन कैसे चेंज करना है, अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैं इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग उसका वीडियो देख सकते हैं। नहीं तो मैं आपको यहाँ पे एंड स्क्रीन में, आप वीडियो के एंड में जाएंगे तो वहाँ से भी आपको मेरा ये वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से भी आपको इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर लॉगिन करके दिखा रहा हूँ। तो जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर जिन सेविका का मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उनके नाम से, तो यहाँ पे उनका नाम शो कर जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 8 मॉड्यूल दिया गया है, जो कि 8 मॉड्यूल पे मैंने यहाँ पे गर्भवती महिला कैसे रजिस्ट्रेशन करना है बताया है, स्तनपान करने वाली माताओं का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके ऊपर वीडियो बना दिया है, और जो कि यहाँ पर 0 से 6 महीने के बच्चे हैं। हम लोग सीखेंगे कि मॉड्यूल नंबर 5 में कि 3 से 6 साल के बच्चे हैं जो स्कूल पूर्व शिक्षा ले रहे हैं आपके आंगनबाड़ी केंद्र में, उनका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, जो कि यहाँ पे बिना आधार नंबर के ही रजिस्ट्रेशन करना है। क्योंकि यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ से पोषण ट्रैकर ऐप में आधार नंबर को यहाँ से हटा दिया गया है, तो आप लोग इसमें आसानी से अब किसी का भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आधार नंबर मांग ही नहीं रहा है। तो चलिए हम लोग बिना आधार नंबर के रजिस्ट्रेशन करके आपको दिखाते हैं। बच्चे का कैटेगरी को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं जोड़ा गया है, तो मैं आपको यहाँ पे रिकॉर्ड जोड़ के दिखा रहा हूँ। तो सिंपली आप लोग यहाँ पे लाभार्थी जोड़े पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर सिर्फ लाभार्थी का नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, जन्म का साल, अगर डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हैं तो यहाँ पर जन्म का साल नहीं लिख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेना है, नाम लिख देना है, उसके बाद लाभार्थी का मोबाइल नंबर डाल देना है। और डालने के बाद यहाँ पे चलिए मैं आपको सारा प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ। और पहले क्या था कि इसमें यहाँ पे आधार नंबर शो कर रहा था, जो कि यहाँ से आधार नंबर और स्वास्थ्य ID दोनों का ऑप्शन यहाँ से हटा दिया गया है। तो चलिए बिना आधार नंबर और स्वास्थ्य ID डाले हम आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके दिखा रहे हैं। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लाभार्थी का नाम, जन्म की तारीख, और उसके बाद यहाँ पे उसके पिता का नाम, माता का नाम और मोबाइल नंबर डालने के बाद मैं यहाँ पे आपको सबमिट करके दिखा रहा हूँ कि ये सबमिट हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं सबमिट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही देख सकते हैं यहाँ पर रिकॉर्ड सफलतापूर्वक बनाया गया। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी रिकॉर्ड आपको बिना आधार डाले हैं, यहाँ पर रिकॉर्ड को आप लोग यहाँ पर जोड़ सकते हैं। और यहाँ पे फिर से एक और लाभार्थी का नाम जोड़ के आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने दूसरे लाभार्थी का भी नाम यहाँ पे सारा डिटेल्स, नाम वगैरह सारा डिटेल्स भर के यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको रजिस्ट्रेशन करना एकदम आसान हो गया है, क्योंकि यहाँ पर आधार नंबर डालने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप लोग बिना आधार के यहाँ पर फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि
तो यहाँ पे एकदम आसानी से आप लोग किसी का भी रजिस्ट्रेशन करना चाहें तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अगर आप लोग इसमें अगर कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जिस भी लाभार्थी का अगर आपको कुछ गलत हो जाता है, नाम गलत हो जाता है या डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाता है, चाहे पिता का नाम गलत हो जाता है, आप लोग कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से जाके आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने जो भी जानकारी बताया, आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही इस वीडियो को अपने सारे ग्रुप में शेयर ज़रूर करें ताकि उन सभी आंगनबाड़ी बहनों को सारा जानकारी टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।